हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल ट्यूब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको लेके आया हूँ सीपी नेट 2019 के एग्जाम्स के बारे में पूरे डिटेल। फ्रेंड्स, तो आपको कब एग्ज़ाम डेट है, कैसे ऑनलाइन अप्लीकेशन भरना है, सभी कैटेगरीज के लिए सिर्फ एक ही अप्लीकेशन डालना है फ्रेंड्स, और इसका सिलेबस क्या क्या है पूरे डिटेल, साथ में इसका एज का रेट्रिक्शन क्या है, 72 अप टू 35 ईयर है जीएनएम के लिए, बाकी के लिए 30 ईयर्स से अबव नहीं होना चाहिए। एंड ऑनलाइन अप्लीकेशन जो फॉर्म भरने का है 25 जुलाई से स्टार्टिंग है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त 2019 है फ्रेंड्स। तो चलिए इसके पूरे डिटेल के बारे में आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन का दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि कोई भी पार्ट आपको मिस ना हो, और इसका ऑनलाइन भी मैं करके दिखाऊंगा आपको प्रोसेस की कैसे आपको फॉर्म एंट्री करना है। तो चलिए सबसे पहले मैनुअल इसको देख लेते हैं कि क्या क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हम इसका मैनुअल ओपन कर लिए हैं, संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2019, जिसका शॉर्ट नेम सीपी नेट अर्थात कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2019, यह उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के द्वारा पूरा कंप्लीट किया जा रहा है। इसका ब्यौरा इस प्रकार है फ्रेंड्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि वो 25 जुलाई दिया हुआ है, और जो अंतिम तिथि है वह 10 अगस्त है ऑनलाइन करने की, और परीक्षा तिथि रविवार को 1 सितंबर को होना है इसका एग्जाम। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो और इसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सीपी नेट के मुख्य तिथियां, महत्वपूर्ण सूचनाएं, पाठ्यक्रम, सीटें, योग्यता का विवरण, अर्हताएँ, आवेदन की भुगतान प्रक्रिया, परीक्षा कार्यक्रम, आरक्षण, प्रवेश पत्र, परीक्षा परिणाम, इस तरीके से सारे डिटेल दिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स, ऑनलाइन करने की जो तिथि है 25 जुलाई, लास्ट डेट है 10 अगस्त तक, एंड प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि है 25 अगस्त से डाउनलोड होगी, और इसकी जो परीक्षा तिथि वह 1 सितंबर, और इसका आंसर की आपको 4 सितंबर को मिल जाएंगे, परीक्षा परिणाम 5 सितंबर को घोषित हो जाएगा, और इसकी जो स्क्रूटनी है तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 6 एवं 7 सितंबर, 2 दिन मात्र रहेगा फ्रेंड्स। इसके बाद इसका मेरिट सूची 8 सितंबर को घोषित कर दिया जाएगा, और काउंसलिंग प्रारंभ होने की तिथि मेरिट सूची के साथ प्रदर्शित कर दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, तो महत्वपूर्ण सूचनाएं, तो फ्रेंड्स महत्वपूर्ण सूचनाएं आप इसको एक एक करके पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है फ्रेंड्स कि आपको जो इम्पोर्टेंट है, अपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, और इस संबंध में किसी भी पत्राचार का मान्य नहीं होगा। और दूसरा है फ्रेंड्स, विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदन है तो सिर्फ एक ही फॉर्म भरना पर्याप्त होता है, अतः विभिन्न पाठ्यक्रम है तो अलग अलग आवेदन पत्र आपको नहीं भरना पड़ेगा फ्रेंड्स। और इसको भरने के लिए आपको upumass.ac.in या फिर www.cpnet.in पर भी उपलब्ध कराई जाएगी, कोई भी जानकारी हो या आप ऑनलाइन करेंगे तो इस वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि इस पाठ्यक्रम के नाम और सीटों की अवधि, और उसको क्या क्या क्वालिफाई करने के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। तो BMLT जो 3.5 ईयर्स अर्थात 3 वर्ष 6 माह का इंटर्नशिप है, तो उसमें 60 सीटें हैं, सभी में लगभग 60 सीटें हैं, और इसके लिए 10+2 अर्थात 12th क्लास चाहिए, जिसमें PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिलाकर 50% होना चाहिए, और जो STSC है उनको 45, और इसमें एज 31/12/2019 को 17 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से BPT और रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निकल BRIT, बी ऑप्थेल्मोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, इस तरीके से बहुत सारे जो हैं बैचलर ऑफ नर्सिंग, BSc नर्सिंग, इनको भी सेम वही चाहिए, सभी का 10+2 PCBE अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एवं इंग्लिश, ये सारे होना चाहिए। नेक्स्ट है बी फार्मा, जीएनएम के लिए 17 वर्ष होने चाहिए, और एएनएम केवल महिलाओं के लिए है फ्रेंड्स,
इसमें केवल महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण एवं आयु 17 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष से नहीं होना चाहिए। फिर डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, ये सारे के 20-20 सीटें हैं और सबकी अवधि जो है वो 2 वर्ष की अवधि है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कुल सीटें 660 हैं और इसमें भी 17 वर्ष, सभी के लिए मिनिमम आयु 17 वर्ष है फ्रेंड्स। और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। पैरामेडिकल फार्मेसी तथा नर्सिंग पाठ्यक्रमों के जो 19-20 में प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के नवीनतम दिशा निर्देश मान्य होंगे। EWS अर्थात इकोनॉमिकल वीकनेस कोटा लागू होने पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या में वृद्धि संभव हो सकती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आयु सीमा बताया गया है। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 31 दिसंबर 2019 को 17 वर्ष होनी चाहिए और GNM के लिए अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए और NM के लिए अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। और प्रवेश परीक्षा में होने के लिए सभी अर्थों की आहारकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र अथवा अंक तालिका काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। और आहारकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र अर्थात अंक तालिका काउंसलिंग के समय ना प्रस्तुत करने की दिशा में सीट आवंटन नहीं किया जाएगा। और फ्रेंड्स जो ST SC OBC हैं उन लोगों का जो प्रमाण पत्र है 1 अप्रैल 2019 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। और इसमें सबसे मुख्य यह है फ्रेंड्स कि अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण किए, उन्हें निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। और किसी अभ्यर्थी द्वारा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों, इन दो में से एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो तो उन्हें उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र लाना आवश्यक होगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसका परीक्षा पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस क्या है, परीक्षा में कितने प्रश्न आते हैं और कितने घंटे के होंगे। तो ये सारे डिटेल हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं समय। तो समय जो है फ्रेंड्स 11 बजे से है और 1 बजे तक होगा, अर्थात 2 घंटे की पेपर होगी। 2 घंटे और 2 घंटे के बाद जो साइंस के स्टूडेंट हैं, ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट, उनके जो 100 क्वेश्चन हैं उसमें से PCB और PCM अर्थात फिजिस्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी PCB में होते हैं, इसमें 30, 33, 33 एंड 34 आएगा। इस तरीके से 100 क्वेश्चन आएंगे। और जो मैथ्स लेके पढ़ा है फ्रेंड्स उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स अर्थात मैथ्स और बायोलॉजी के 34, 34 और बाकी के 33 आएंगे। ये तो थे साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। और ओनली फॉर आर्ट्स कॉमर्स एंड अदर स्टूडेंट, जो आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए जनरल हिंदी 20 मार्क्स के, इंग्लिश 20 मार्क्स के एंड जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन 60 मार्क्स के। इस तरीके से इनका 100 होगा। तो 2 पेपर होंगे, एक साइंस स्टूडेंट के लिए और एक ओनली फॉर अदर स्टूडेंट्स जो साइंस के नहीं हैं। और फ्रेंड्स परीक्षा प्रवेश केंद्र में 9 बजे पहुंच जाना है आपको प्रवेश के लिए और 10:30 बजे तक, इसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगा 9 से 10:30 के बाद। और फ्रेंड्स नोट, अभ्यर्थी जिन विषयों में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की गई है आवेदन के समय अर्हता है तो जिन विषयों का उल्लेख किया गया है अभ्यर्थी को उसी विषय संबंधित प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको आप केयरफुली फिल करना, आप जो जो सब्जेक्ट लिए हैं। अब पेपर फर्स्ट में ABC फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश फॉर बी फार्मा एंड BSc नर्सिंग PCBE एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फ्रेंड्स। एंड पेपर सेकेंड है AB&D जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स PCM फॉर बी फार्मा, फर्स्ट पेपर में ही है फ्रेंड्स जो बी फार्मा कर सकते हैं, जैसे ऑल बैचलर डिग्री एंड डिप्लोमा बी फार्मा, GNM, NM, ये सारे के लिए एलिजिबल कोर्स होंगे जितने सारे एक ही रहेंगे। जो पेपर सेकेंड है
वो आर्ट्स कॉमर्स अदर के लिए वो केवल सिर्फ एनएम एंड जीएनएम में ही ज्वाइनिंग कर सकते हैं, इसके अलावा अदर जो पाठ्यक्रम है उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस सब को केयरफुली रीड कर सकते हैं ताकि बाद में आपको भविष्य में ये ना लगे कि हम एनएम जीएनएम के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो इसको केयरफुली करके ही आप अपना फॉर्म भरें फ्रेंड्स। बाकी पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप पूरा डिटेल इसमें पढ़ सकते हैं। आपको वहाँ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और बायोमेट्रिक्स भी की जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए अब एडमिट कार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। तो एडमिट कार्ड आपको www.up.ums.ac.in तथा CPNET पर उपलब्ध की जाएगी, और वेबसाइट पर अपनी लॉगिन आईडी से प्रवेश पत्र खुद से डाउनलोड करके प्रिंट करेंगे। और जो परीक्षा केंद्र होगा वो इटावा नगर सफाई केंद्र के आसपास के केंद्रों को ही बनाया जाएगा। और बिना प्रवेश पत्र भूले आपको यहाँ परीक्षा केंद्र पर आना है, और वहाँ आने के बाद अभ्यर्थी केवल नियत केंद्र पर ही सीपी बैठने की अनुमति या एक बार आवंटित किए गए परीक्षा केंद्र को बदलने का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स। और साथ में आपको बैठने के लिए एक मूल आईडी भी लेके आना पड़ेगा फ्रेंड्स। और एडमिट कार्ड मैंने पहले बता चुका है, 25 अगस्त से स्टार्टिंग होगा, 1 सितंबर तक आप डाउनलोड कर सकेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करके। और बहुत ही महत्वपूर्ण यह है कि फ्रेंड्स आपको 9 से 10:30 के बीच ही पहुंचना है, और 10:30 के बाद किसी भी मतलब स्थिति में आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप इस समय का ध्यान दें। और परीक्षा परिणाम स्क्रूटनी है सारे लिस्ट आप इसको देख सकते हैं डिटेल। अब चलिए फ्रेंड्स आपको मैं बताता हूँ कि आपको फॉर्म ऑनलाइन कैसे करना है, इसके बारे में जान लेते हैं। और इस शुल्क के बारे में फ्रेंड्स ये सारे आप तो डिटेल देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड नहीं कर सकते तो मेरे को नीचे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, मैं सबको सेंड कर दूँगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें ऑनलाइन फॉर्म करना है फिल। तो फ्रेंड्स आपको ओपन कर लेना है www.cpnet.in। इसको ओपन करने के बाद आप सीपीनेट उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे कि सीपीनेट का स्क्रॉल करते हुए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। यहाँ वाउचर डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक हियर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करके आप अपना पीडीएफ जो अभी मैंने दिखाया उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन, यहाँ क्लिक करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको एक आईडी मिल जाएगी, आईडी यूज़र आईडी और पासवर्ड, उसको आप यहाँ से क्लिक हियर टू अप्लाई में करके लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन के क्लिक करने पर खुल जाएगा अपना समस्त पंजीकरण हेतु भरे जाने वाला विवरण खुल जाएगा, और जिसमें अभ्यर्थी समस्त विवरण अंकित करने के पश्चात सबमिट करना होगा। तो यहाँ आई एग्री पे क्लिक करना पड़ेगा आपको अभी। तो यहाँ आई एग्री पे मैंने क्लिक कर लिया कंफर्म। तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ कैंडिडेट का नाम, फादर्स नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट, क्वालिफाइंग एग्जाम, तो यहाँ देख लेते हैं क्वालिफाइंग एग्जाम में 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी या आर्ट्स कॉमर्स विथ इंग्लिश, ये सारे आपको दिए हुए हैं। तो आप इसमें से जो है चूज़ कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ 10+2 साइंस स्टूडेंट है तो यहाँ डन कर लेता हूँ। तो देखिए इनको लिए कितना कौन कौन से कोर्स पे ये अप्लाई कर सकते हैं, इसके हिसाब से आपको यहाँ नीचे दिख जाएगा आप अपना जो भी कोर्स का नाम डालेंगे इसके बाद। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी इसको फिल कर लेता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैंने यहाँ फिल कर चुका है, अब यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों सबमिट करने के बाद यहाँ डिटेल ओपन हो जाता है। डिटेल ओपन होने के बाद यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस प्लीज़ अगर उसको पढ़ना है तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस, तो यहाँ चलिए टर्म्स एंड कंडीशंस भी देख लेते हैं।
ये अभी ओपन नहीं हो रहा फ्रेंड्स। यहाँ आई सेल सेलेस कुमार हेयर बाई, तो कंफर्म इसको कर लेना है फ्रेंड्स। कंफर्म हो गया। अब इसके बाद एक ओटीपी आएगा मेरे मोबाइल पे, तो मैं उस ओटीपी को फिल करूँगा। तो जैसे देखिए आप, यहाँ ओटीपी आ चुका है। तो यहाँ मेरा ओटीपी है 19199, क्लोज 1919, गो। फ्रेंड्स अब आपको मैसेज मिला, अभी आपने देखा भी होगा कि मेरा मैसेज यहाँ मिल चुका है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ लॉग यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप इसमें लॉगिन करना है। तो चलिए मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। ये फ्रेंड्स मैंने अपना यूज़र आईडी, देखिए यहाँ आप मेरे यूज़र आईडी देख सकते हैं। पासवर्ड मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन हो चुका है। आप यहाँ मेरा पूरा डिटेल देख सकते हैं, यहाँ मैंने रिमेम्बर कर दिया। अब यहाँ देखिए मदर्स नेम, नेशनलिटी, ये सारे जो दिए हुए हैं आप इसमें इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपका कोर्स का नाम है पेपर फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, ये सारे आपको यहाँ नीचे डिटेल दिए हुए हैं। चलिए मैं यहाँ जल्दी जल्दी फिल कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब यहाँ मदर्स नेम, मदर्स नेशनलिटी, इसके बाद फादर्स मोबाइल नंबर, फादर्स ईमेल आईडी नंबर, टेंथ का आपने उत्तर प्रदेश से किया है हाँ या नहीं, इसके बाद फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम सेंटर वो इटावा सफाई में दिया हुआ है, एंड इसके बाद आपका इधर आधार नंबर, इसके बाद आप मेरे मैरिटल स्टेटस आपको डालना है। ये सब करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिए आपको कोर्स का नाम दिया हुआ है। आप इसमें इसको आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ देख सकते हैं आप इतने सारे के लिए एलिजिबल हैं 17 कैटेगरीज के लिए। इसके बाद आपको यहाँ सबमिट कर लेना है। और सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स अब यहाँ देखिएगा इंटरमीडिएट आपको फिल करना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट मार्क ऑब्टेन इसमें दिया हुआ है, तो चलिए इसको भी जल्दी जल्दी में भर लेते हैं। इसके बाद परमानेंटली एड्रेस है, इसके बाद क्लिक आई चेक कॉरेस्पॉन्डिंग एंड परमानेंट एड्रेस आर सेम, इसके बाद फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। तो चलिए इसको भी मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ फ्रेंड्स। मैंने यहाँ क्वालिफिकेशन अपना भर चुका है। क्वालिफिकेशन भरने के बाद यहाँ फिजिक्स सब्जेक्ट वाइज अपना टोटल मार्क्स ऑब्टेन और मैक्सिमम मार्क बताएं। इसके बाद यहाँ अपना एड्रेस फिल कर लिया हूँ। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ चेक कॉरेस्पॉन्डिंग एंड परमानेंट एड्रेस सेम है, तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सबमिट क्लिक कर लेना है। तो यहाँ सब्जेक्ट फोर रिक्वायर्ड दिया हुआ है, तो इसमें चलिए इंग्लिश कर लेता हूँ। इंग्लिश सिक्सटी नाइन आउट ऑफ 100। हिंदी 77 आउट ऑफ 100। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये कंप्लीट करके यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये सबमिट हो चुका है फ्रेंड्स। अब यहाँ 50 KB का हमें फोटो अपना चूज़ करके डालना है, स्कैन सिग्नेचर डालना है, और 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, और उसके बाद अदर्स जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ आई शैलेश कुमार करने के बाद आपको सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट्स के ऊपर जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, तो चलिए यहाँ अपलोड कर लेते हैं। यहाँ फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर इसमें चूज़ करके अपलोड क्लियर किए हैं, तो यहाँ प्रीव्यू में आपके सामने दिख रहा है। जिसको 400 के
केबी से जो है फ्रेंड्स हमारा 10th मार्कशीट 12th मार्कशीट इसको 400 KB पे रखना है, और फोटो और जो अपना सिग्नेचर उसको अंडर 550 KB के करके बना के आपको उसमें अपलोड करना है फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मेरा 10th मार्कशीट, अपना फोटोग्राफ्स यहाँ पर व्यू में आप देख सकते हैं, सिग्नेचर, इसके बाद यहाँ 10th का मार्कशीट ये प्रीव्यू में देख सकते हैं, और 12th का मार्कशीट ये सारे आप अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद यहाँ सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ नोट डाउन योर रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि फीस जमा करने के पश्चात आवेदन पत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। तो यहाँ मेरा पूरा डिटेल हो चुका है, अब यहाँ प्रोसीड टू पे फी, इसके ऊपर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो फीस पेमेंट्स के ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर नेम एंड कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड फीस डिपॉजिट कितने करने हैं, ये सारे आपको डिटेल है यहाँ। इसके बाद सबमिट फीस के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। ऑनलाइन पेमेंट मोड हेतु क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। नॉन रिफंडेबल आवेदन शुल्क 1,000 रुपये प्लस अतिरिक्त बैंक ट्रांजैक्शन शुल्क के द्वारा आवेदक स्वयं वहन करेगा। तो इसके लिए आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अब देखते हैं क्या ओपन होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ओपन हो चुका है कूपन का कोड, व्यू बैकअप, टोटल अमाउंट। तो कूपन का कोड, यहाँ कोई कूपन नहीं है तो हमें कोई कूपन नहीं, नेट अमाउंट इतना हो गया, ये हो गया। इसके बाद यहाँ माई बिलिंग एंड शिपिंग एड्रेस आर डिफरेंट, नो, इसको क्लिक नहीं करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आप देखिए डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे यहाँ वीज़ा डेबिट कार्ड है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट फिल करने के बाद यहाँ मेक पेमेंट ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपना 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज देके 1,030 रुपये पेमेंट करेंगे, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और सारे मिल जाएंगे, जो बाद में आप लॉगिन करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई दूंगा। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।